गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। आपका चैप्टर सेकेंड था वर्ण से। चैप्टर सेकेंड आपका वर्ण विचार। हमने चैप्टर सेकेंड आपका पूरा कंप्लीट रीड हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बुक फिल करेंगे। ये आपके पिक्चर्स बनी हुई हैं। का नंबर है चित्रों के नीचे लिखे वर्ण जोड़कर बने शब्द लिखो। आपके जो वर्ण दिए हुए ना, इनसे आपको जोड़कर शब्द बनाना है। हमने आपको अभी आगे ये सब एक्सप्लेन किया था। जैसे घा, घा में आपका क्या निकल रहा है, आ, तो घ र सब छोटे छोटे हैं ना, तो घा भी छोटा बनेगा और आपका रा भी छोटा बनेगा, तो क्या बनेगा आपका घर। वर्ड आपका क्या बना, घर। नेक्स्ट आपका है व आ ट, ट आपके व आ व में छोटा ही आ रहा, टा में भी छोटा आ रहा, तो क्या होगा वट। ओके स्टूडेंट, जब अगर बड़ा आता है या छोटी आती है कुछ आता है, तो तब फिर आपकी मात्राएं लगती हैं इस पे, क्योंकि आपके आ में कोई मात्रा नहीं होती ना, इसलिए व और ट आपके वट बन गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका न आ मा क। आपका ये भी तीनों पे क्या आ रहा, छोटा आ ही आया ना, तो आपका न मा क आपका नमक वर्ड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पहला आपका क्या बना, घर, सेकंड आपका वर्ड, और थर्ड आपका नमक। इस पे क्या हुआ, कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, आपके सिंपल वर्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सिंपल वर्ड से सिंपल वर्ड ही बने, क्योंकि आपका आ ही सभी पे आ रहा है। अगर बड़ा आता है, छोटी आती, तो आपका तब उस पे मात्रा लगती, क्योंकि छोटा पे कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए आपके छोटा पे आपका नॉर्मल वर्ड्स हैं। फिर आपका आता है क मल, इस पे भी कोई आपका मात्रा वाले वर्ड नहीं, इसलिए आपका कमल। शहद, तो आपका क्या हुआ, शहद। मटर, तो क्या हुआ, मटर। ये आपके बिना मात्रा वाले वर्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका खाता, दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। आपके ये दिए हुए हैं ना, ये मिक्स होकर के आपके ये साइड साइड पे स्वर और व्यंजन एक साथ मिक्स हैं, तो एक साथ इनको क्या करना है, इनको अलग करके स्वर में आपके स्वर लिखना है और व्यंजन में आपके व्यंजन लिखना है। स्वर आपके ये हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, और व्यंजन आपके का खा गा घा। तो ये जो हैं, इनसे देख करके आपको, इनसे छांट करके, ये जो दिए हुए हैं आपके चारों तरफ, इनसे छांट करके आपको स्वर को स्वर के बॉक्स पे लिखना है, और व्यंजन को आपको स्वर के बॉक्स में लिखना है, और व्यंजन को आपको व्यंजन के बॉक्स में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है ग। सही विकल्प के सामने सही का चित्र लगाओ। आपका सही विकल्प के सामने सही का क्या करना है, निशान लगाओ। निशान लगाना सही का, जो आपका राइट है, तो आपको राइट पे ही निशान लगा। ध्वनियों का लिखित रूप कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या भाषा, तो क्या कहा जाता है, ध्वनियों का लिखित रूप आपका वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्वनियों का लिखित रूप आपका वर्ण कहलाता है, इसलिए वर्ण पे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमने पढ़ा है ना, स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, तो आपका 5 और 5 और 11, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, तो आप 11 पे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर थर्ड है आपका स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनती है। तो क्या बनती है, स्वरों और मिलाकर व्यंजनों को भाषा बनती है कि वर्णमाला बनती है आपकी, तो वर्णमाला बनती है। जब हमारे स्वर और व्यंजन दोनों मिलते हैं, तो हमारी क्या बनती है, वर्णमाला बनती है, इसलिए हम वर्णमाला पे टिक करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है 4 नंबर, दो वर्णों को मिलाकर बना नया वर्ण क्या कहलाता है। जब दो वर्ण मिलकर बनता है एक नया वर्ण, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अयोगवा कहते हैं, या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो आपका संयुक्त व्यंजन होता है, तो आपका संयुक्त व्यंजन पे हम टिक करेंगे। दो वर्णों को मिलकर एक जो नया वर्ण बनता है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, तो आपका संयुक्त व्यंजन पे टिक करेंगे। आपका 5 है, ये पूरी तरह से ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। जो पूरी तरह से ना स्वर होता और ना व्यंजन होता, उसे क्या कहते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं, तो आपका अयोगवाह पे टिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अपनी बुक इसी से फिल कर लेंगे, और फिल करके नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर क्योंकि आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, मैं उन्हें नोट डाउन करूंगी, फिर आपको पिक सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तब आप उनको अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।